The enemies who plotted our doom and destruction are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. We Pakistanis always find a way, and that we will, inshallah. आईन और कानून की रहनुमाई में हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। पाकिस्तान में कोई भी किसी और के किए पर जवाब दे नहीं। आर्मी चीफ का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से इंतहाई अहम खिताब। कहते हैं, इत्मीनान है, आज हमारे इदारे मजबूत हो रहे हैं। हमारी तबाही का मंसूबा बनाने वाले दुश्मन मायूस हैं। अन के लहू से हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अब वक्त है मुतहद होकर मुल्क को खुशहाल बनाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि हर सतह पर कौमी क़यादत हाइब्रिड वॉर का हदफ है। हाइब्रिड वॉर का मकसद उम्मीद की फजा को ठेस पहुंचाना है, इस मफरूजे को तकवीत देना कि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। यकीन दिलाता हूँ, यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। सेलेक्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके। पीडीएम के जरिए हुकूमत को खत्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो का कराची में वकला से दबंग खिताब। कहते हैं, पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी कुवतों के खिलाफ खड़ी है। जब तक आजाद नहीं होंगे, पार्लियामेंट रबर स्टैंप रहेगी। हमारी पार्टी कयादत पर झूठे इल्जामात लगाए गए। पीडीएम का 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में पहला सियासी पावर शो। नून लीग जलसा कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। मरियम नवाज की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। मुमकिन गिरफ्तारियों के हवाले से भी लाहे अमल तैयार। रहनुमाओं को टास्क मिल गए। नवाज शरीफ को भी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। विफाक के वज़रा का ओपोजिशन को जल्द से ना करने का मशवरा। असद उमर कहते हैं, ओपोजिशन को जमहूरियत के नाम पर कानून नहीं तोड़ने देंगे। फवाद चौधरी ने ओपोजिशन को तहरीक अगले साल तक मुलतवी करने की तजवीज दे दी। बोले, सियासी जमात जिम्मेदारी का सबूत दें, जिंदगी का एहतराम करें। शेख रशीद ने ओपोजिशन को क्रैकडाउन की धमकी दे दी। कहते हैं, कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान मजहबी कार्ड खेलने जा रहे हैं। नवाज शरीफ डॉक्टर्स और अवाम को बेवकूफ बनाकर लंदन गए, वापस नहीं आएंगे। फौज ही मुल्क की जमहूरियत, मईशत और इस्तेकाम है। 31 दिसंबर से 20 फरवरी अहम है, नतीजा निकल आएगा। नवाज शरीफ को हुकूमत ने बाहर भेजा, राणा सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब। बोले, गुजरांवाला जलसे से पहले ही सिलेक्टेड टोले की टांगे कांपने लगी। पीडीएम के जलसों की पब्लिसिटी करने पर किराए के तर्जुमानों का शुक्रिया। फैसले अब पीडीएम और आवाम ने करने हैं। नून लीग में लोटों की कोई जगह नहीं। गैर कानूनी प्लॉट केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस लाहौर की अदालत के बाहर चश्मा। वजारत खारजा के जरिए लंदन भी इश्तिहारी नोटिस भेजेंगे। नए प्रोसिक्यूटर की अदालत में यकीन दहानी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को मफरूर करार देने के इश्तिहारात एहतसाब अदालत के अहाते में लगा दिए गए। महंगाई महंगाई महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। आटा, चीनी, घी, दालें, गोश्त, दूध, दही समेत हर चीज महंगी। आटे का 20 किलो का थैला 1100 रुपए, चीनी 110 रुपए किलो हो गई। अंडे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। रावलपिंडी में फार्मी अंडे 170, लाहौर में 159 रुपए दर्जन फरोख्त। ब्रायलर का गोश्त भी 13 रुपए महंगा होकर 233 रुपए किलो तक जा पहुंचा। सब्जी माफिया भी आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में प्याज 90, टमाटर 150, लहसुन 235 और अदरक 600 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सब्ज मिर्च 150, आलू 90, बैंगन 60, भिंडी 150, देसी टींडे की कीमत 160 रुपए किलो हो गई। कराची में टमाटर की कीमत 180 रुपए किलो हो गई।
वज़ीर-ए-आज़म का महंगाई के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान। ट्वीट में कहा, जायजा लेंगे कि कीमतों में इजाफे की वजह सप्लाई की शॉर्टेज है या जखीरांदोजी। फिर से तमाम रियासती इदारे कीमतों में कमी के लिए एक्शन लेंगे। रावलपिंडी में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। 10 तालीमी इदारों के तलबा, असातिज़ा और अमले में वायरस की तस्दीक। पिम्स हॉस्पिटल में 17 डॉक्टर स्टाफ को भी कोरोना हो गया। कचहरी में अदालती अहलकार में वायरस की तस्दीक के बाद सिविल जज नौरीन कौसर की अदालत बंद कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कराची में पानी की किल्लत पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर तामीर इमारत के लिए सीवरेज लाइन का मसला हल करने का हुक्म। इंतजामिया की आला अदलिया के जजों के घरों के लिए खुसूसी लाइनें बिछाने की पेशकश। चीफ जस्टिस ने कहा, सिर्फ हमारे घरों को नहीं पूरे DHA का मसला हल करें। रूस में 10 घंटे के तवील मुज़ाकरात कामयाब। अजरबैजान और आर्मेनिया में जंग बंदी पर इत्तेफाक। रूसी वजीर खारजा का कहना है कि अब दोनों मुल्कों में बाज़ाब्ता बातचीत होगी। कराची में कौमी विमेन क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप। बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस। आशमाबाद ग्राउंड का रुख करने वाली खवातीन खिलाड़ी खुश। गैर मुल्की कोच डेविड हिमत 18 अक्टूबर को कैंप ज्वाइन करेंगे। और चीनी बच्चे की वीडियो की सोशल मीडिया पर धूम। बच्चा जिस्म का तवाज़ुन कायम रखने में महारत रखता है।